हेलो व्यूअर्स, इस समय आज है 20 तारीख और इस समय मैं बैठी हूँ हॉस्पिटल में। बड़ी मुश्किल से अभी रूम मिला है, 4:45 बजे पहुँच गए थे और 6:15 बजे तक मिला है। उसकी हिम्मत है, उनके पापा भी आए थे, अभी तो कनका है मेरे पास, उनके पापा भी आए थे और उन्होंने अपना वो कराना टेस्ट, उनका फिर नहीं हुआ, वो भी चले गए घर। अब थोड़ी देर बाद आएगी बस स्वाति, और स्वाति आएगी साथ में पापा के, कपड़े भी मैं लेकर नहीं आई, बहुत जल्दी मरती, बस यही जो पहने हैं पहने, एक्सप्रेस पर्स लेकर आई हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो रूम मिल गया, टू शेयरिंग है। ये देखिएगा, ये दराज है, नीचे वाली तो चाबी है नहीं, इसमें ना एक, इसमें एक थर्मस और एक गिलास है। ठीक है, ऊपर फ़ोन पड़ा हुआ है, ये देखिएगा इस। ठीक है, और ये बेड है मेरा, ये एक सोफ़ा काफ़ी बड़ा, ये देखिएगा फैन भी है, किसी को प्रॉब्लम हो तो इससे भी चल सकते हैं। वो देखो स्टैंड पड़ा ना, वो देखो, बस ये है कमरा साफ सुथरा सा, टू शेयरिंग है इसमें, मैं दिखा रही ना आपको, बीच में पर्दा, पर्दे के दूसरी साइड एक और है पेशेंट। कनिका गई है अभी कुछ, उसका फ़ोन नंबर ठीक नहीं लिखा गया, वो ठीक कराने गई है। टीवी भी है इसमें, टीवी भी है, टीवी चला सकते हैं, इसका मतलब घड़ी भी है, टीवी भी है। बस अभी और ज़रा छानबीन करती हूँ कमरे में क्या है क्या नहीं। ठीक है, 7th फ्लोर पे हूँ, इस हॉस्पिटल में टोटल 7 ही फ्लोर हैं और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। ठीक है, गर्मी है काफ़ी, यहाँ पर बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, तो यहाँ पे मैं सोच रही थी जो सोफ़ा मिला ना इतना बड़ा सा, काफ़ी बड़ा सोफ़ा है ये, एक जन में सो सकता है आराम से, तो डबल बेड का कंबल मंगवा लूँगी दूसरे जाने के लिए, जो मतलब यहाँ मेरे साथ रहेगा, तो आराम से तकिया और एक छोटा तकिया और एक डबल बेड का कंबल मंगा लेंगे, तो आराम से यहाँ पे सो सकते हैं, ये मेरा बैग है। तो चलिए, बस इतना ही था, ऑपरेशन तो कल ही होगा, जो पता नहीं सुबह सुबह होगा, कितने बजे भी बाद में पता लगेगा, अभी कुछ नहीं पता है। क्या कर रहे हैं यार, पूरे बाल साफ टांग हुए कर रहे हैं बैठ के, और कोई काम तो है नहीं, ऑपरेशन तो घुटने का होना है, पूरी टांगे साफ करें मशीन से। ये क्या देखे ज़रा, इसमें पानी होगा, मेरे को लग रहा है ये आया, ये अभी तक खा नहीं पाई, पता कितनी बिजी हैं, सीनियर डॉक्टर भी आए और दूसरे डॉक्टर भी आए, बहुत सारे फॉर्म्स पे साइन किए, और उसके बाद जो है वो हार्ट वाला चेक किया ना, जो हाथ से पकड़ के किए, वो हाथ पे लगाया वो पल्स होती है, अच्छा पल्स चेक करी है, और क्या कर बीप का वो चेक किया है, बीपी चेक किया है, और क्या करा, वैक्सिंग करा दी आपकी, रिफंड में हो गई रेजर मारा है, हाँ वो मशीन से थी, मशीन से तो रेजर चाहिए, ये तो चाहिए, वो ठंडी तो नहीं है, देख जरा, नहीं गर्म है, मैं गर्म पीती हूँ, इतनी भी गर्म नहीं, लेकिन पी के देखो, दिखा देना। हेलो व्यूअर्स, बैठी हूँ जो बेड पे, अब लग रहा है कि मैं पेशेंट हूँ, वैसे तो नहीं लग रहा, पर पता है क्या है, वो प्रोसीजर क्या करेंगे, रात को खाना अभी आएगा, चाय दी थी, वो सारे बीच में आते रहे डॉक्टर वगैरह सिस्टर वगैरह, चाय थर्मस में दी थी, पानी ठंडा हो गया एकदम, अब तो चाय ठंडी, मैरी के बिस्कुट और ये साथ में फ्रूट दे रही है, फ्रूट का तो मेरे को तो समझ नहीं आया, इसमें था फ्रूट में था वो पपीता और खरबूजा, ठीक है ये था, और चाय के साथ ही तो कब, बाकी मैरी के बिस्किट, अब चाय ठंडी होगी, मैं तो गर्म पीती हूँ, अब दोबारा फ़ोन तो करा है उनको कि दे जाओ, और वो कह रहे हैं कि रात का खाना खा सकते हो, रात के बाद सवेरे उठ के कुछ भी मतलब नहीं खाना पीना, पानी भी नहीं पीना, तो बस उसके बाद सवेरे जो है अभी टेस्ट 2-3 कर लिए इन्होंने, अभी सवेरे एक टेस्ट और होगा, वो जब उनकी लैब खुलेगी 9 बजे तब होगा, उसके बाद फिर मेरे पता नहीं 11-12 बजे के करीब ऑपरेशन के लिए बुलाएंगे। क्या हुआ, ये नाइट लैंप, कौन सा लैंप है, दिखा वो रहा नाइट लैंप, हाँ ठीक है, अप लाइट, ठीक है, पढ़ना रात में, डाउन लाइट, अरे वाह डाउन भी अप भी है, मैं पर सोची थी कोई और ही मशीन है ये वाली, लाइट है ये, हाँ ये लाइट अप लाइट डाउन लाइट, जो आपको जैसा रखना है, हाँ ये सही है, लेट के आराम से कर लो, और क्या, हाँ से लटका ही रखे, डाउन लाइट ऑन रखूँ अभी, हाँ डाउन लाइट ठीक, ये ऊपर की बंद कर दे, क्यों क्यों बंद कर दे, ये ऊपर वाली अंधेरा, चल तेरे को चाहिए तो जला ले,
अभी चला लें तो हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है एक बंद कर दे फिर जब मैं पढ़ूंगी तो जला लूँगी ठीक है ये लाइट अच्छी है मेरे को मैं सोची थी कुछ और है ये तो अप लाइट और डाउन लाइट है चलिए 8 बज गए खाना आ गया है पहले चाय तो ठंडी हो गई वापस करवा दी अब ये खाना आ गया ये देखिए इसमें क्या क्या है मिक्स वेज सब्जी है दाल है थोड़े से चावल हैं रोटी मेरे ख्याल दो होंगी अभी खोली नहीं सलाद है सैलड है और इसमें सेवइयाँ हैं ठीक है और ये खाना आ गया है मैं खा लेती हूँ क्योंकि ऐसा है ना कि फिर उसके बाद रात को तो पानी पी सकते हैं सुबह पानी भी नहीं पीना है खाली पेट सुबह एक टेस्ट होगा 9 बजे के आसपास और उसके बाद फिर 11-12 बजे डॉक्टर बुलाएंगे मेरे को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे वो कि वो रेड़ की हड्डी में फिर एक सुई लगाएंगे मैं मना कर रही हूँ उनको मत लगाओ क्योंकि क्या है कि पिछली बार जब सिजेरियन कराया था बच्चों के टाइम में तब से रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग गया पर वो कह रहे हैं अगर वो तुमने सुई नहीं लगवाई तो आपको उसको काफ़ी दर्द होगा फिर मतलब उसका ये घुटनों की दर्द होगी और अगर आप सुई लगवा लोगे तो फिर आपको 3 दिन तक पेन नहीं होगी साथ में मेडिसिन भी चलेंगी और बस हाथ में वो एक सुई लगा के उसमें वो नींद की दवाई डालते रहेंगे तो मैं सोती रहूँगी ऑपरेशन कर देंगे पता नहीं थोड़ा सा तो अजीब सा लग ही रहा है अब चलो मैं अब खाना खा लेती हूँ ये भी ना ठंडा पानी बन जाए कनिका बेचारी लगी हुई है सेवा करने ये देखो कनिका ने पानी रख दिया है कनिका कर दिया सेवा इसके पापा गए हैं मेरी उसकी ताब लेने के लिए ठीक है वो मेरा ना खाना ठंडा हो जाएगा नहीं होता खाना ठंडा इतना भी ठंडा गया हो जाएगा ठीक है तो चलो खाना ही खा हेलो व्यूअर्स ये देखिए गद्दा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये मुझे दुखी करने वाला है क्योंकि हड्डी की जो हड्डी है ना उस पर इससे ज़्यादा ही कंफर्टेबल है तो सही नहीं रहेगा ठीक है पर क्या करें हॉस्पिटल में ऐसे ही है क्या कर सकते हैं नहीं गद्दा कहाँ बदलने वाला अब गद्दा थोड़ी बदलेगा सैनिटाइजर मंगाया एक अभी बड़ा काफ़ी देर और चाय तो दोबारा आई नहीं चाय हमने बोली 2-3 बार फ़ोन किया आई नहीं कहाँ आई चाय बोलो आई ही कहाँ नहा लो उसके बाद फिर साथी को बोल तो रहे हैं लाइन दे रही है वो मना कर रही है क्या कह रही है मैं नहीं अब चाय बनाऊंगी है चावल बना रही हो वो तो बनाना ही पड़ेगा हाँ साथी खाना बना रही है उसको बोला मैंने चावल बना ले और तो रख क्योंकि दोपहर को बनाई थी मैंने आलू और वो बीन्स की सब्जी सूखी उसके बाद रोटी खाई थी और अब मैं इसको बोल रही हूँ कि और क्या करें फ़ोन कर दूँ कर ले किन को अच्छा ठीक है और फिर अब वो खाना बनाएगी स्वाति और ये बेचारी वो दोनों खा के आएंगे तो तब ये कनिका जाएगी स्वाति आके स्टे करेगी रात को यहीं पर ही आज पता क्या था आज वो था गुरुपुरब था और गुरुद्वारा और कामगंज में बहुत अच्छे स्टॉल्स भी लगे हैं और बहुत अच्छा सजाया सजावट भी बहुत अच्छी है और कीर्तन भी बहुत अच्छा हो रहा है और मैं जा ही नहीं पाई आज और एक स्वाति ने अच्छा किया वो सवेरे गुरुद्वारे बंगला साहब जाके मत्था टेक आई उसने अच्छा किया प्रसाद भी कराया ले आई थी प्रसाद भी वो उसने एक अच्छा काम करा ठीक है और 17 तारीख को ना हमारे इधर से मतलब 17 तारीख को एक वो निकलनी थी प्रभात फेरी पर हुआ क्या कि प्रभात फेरी जो थी उसमें मेरे को ना डाउट हो गया मेरे को लगा कि हमारे इधर से नहीं निकलेगी वो निकलनी थी रकाबगंज से लेके फतेहनगर तक तो फतेहनगर का डाउट हो गया मुझे लगा कि वो पता नहीं कहाँ है फतेहनगर अब मुझे नहीं पता हमारे घर के साथ उधर से ही निकलनी थी जो हमारे घर के आगे मार्केट में रोड है शंकर रोड वहाँ से निकल के तिलक नगर होते हुए फतेहनगर जानी थी अब मेरे मिस हो गई वो मुझे बहुत गुस्सा आया बाद में अगले दिन न्यूज़पेपर में जब इन्होंने दिखाया ना तो बहुत गुस्सा आया मैं कहा हाँ मेरी मिस हो गई क्या कर सकते हैं अब चलो और आज मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाई रकाबगंज भी नहीं जा पाई इधर आना था घर के काम कर रही थी आपको नर्स को बुलाना हो क्यों लाल बटन दबा दो अच्छा बाद में बाहर घूमते रहते बैठे बैठे